और चलिए बड़ी खबर का इस वक्त रुख कर लेते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसी का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। बड़ी खबर, और इस खबर का जो ऐलान है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए दिया है, सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान, भारत के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाएगा। और साथ ही बड़ी खबर यह भी कि एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न का ऐलान ये किया गया है, साथ ही पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर बकायदा इस बात की जानकारी दी है, पोस्ट किया है, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी गई है। साथ ही पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, उन्हें भी भारत रत्न दिया जाएगा, भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित। और साथ ही वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया जाएगा। इस बात की घोषणा बकायदा जो ऐलान है वो पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, भारत रत्न तीन और शख्सियतों को दिया जाएगा, जिनमें पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है, बकायदा सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी गई है कि तीन प्रमुख शख्सियतों को भारत रत्न का ऐलान, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, उन्हें भी भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाएगा। और इस बात का ऐलान बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। कुमार गौरव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, यहां पर प्रधानमंत्री के ट्वीट से भारत रत्न का ऐलान। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि लगभग 8-9 महीने के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, चौधरी चरण सिंह एक बड़े किसान नेता थे और उनको भारत सरकार ने यह तय किया है कि उन्हें भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। किसानों को की भूमिका को देखते हुए, किसानों से इस ऐलान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि किसानों को लेकर उनके मन में काफी सम्मान है। और बड़े किसान नेता जो थे चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भारत रत्न, उनके लिए भारत रत्न का ऐलान किया गया है। वहीं दूसरा एम एस स्वामीनाथन, कृषि हरित क्रांति का जनक, यानी किसानों के लिए काम करने वाले ये व्यक्ति थे और हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और आज जो किसानों की एमएसपी तय होती है, वो कहा यह जाता है कि एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट के बाद से ही उस वक्त की केंद्र सरकारों के अंदर ये टेंडेंसी आई और हर साल फसल को लेकर एमएसपी तय की जाती है। यानी चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन, आप कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए दो लोगों को भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री भी थे चौधरी चरण सिंह, उसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको भी भारत रत्न का ऐलान किया गया है। इसमें से दो चीजें और है, एक उत्तर प्रदेश से आते हैं चौधरी चरण सिंह। अब से कुछ देर पहले हम लोग आरएलडी और बीजेपी गठबंधन की बात कर रहे थे और जाहिर तौर पे आरएलडी को एनडीए में आने के लिए इससे एक बेहतर मौका नहीं हो सकता, क्योंकि आरएलडी चौधरी चरण सिंह के नाम से ही राजनीति करती है। दूसरी बात, दो इसमें ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है जो कि दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं, पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन, यानी किसानों के साथ साथ दक्षिण को भी साधने का मोदी सरकार का प्रयास। और ये एक बड़ा ऐलान लोकसभा चुनाव से पहले आप इसे कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में एम एस स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दक्षिण का कनेक्ट एक दिखाने का प्रयास किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि दक्षिण उनसे दूर नहीं है। दूसरी तरफ एम एस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह के जरिए किसानों को साधने का प्रयास, भारत रत्न इनको देकर किसानों को साधने का प्रयास मोदी सरकार की तरफ से किया गया है। तो बड़ा ऐलान है, क्योंकि चुनाव अब सिर पे है, इसका राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। जयंत चौधरी के लिए भी एक रास्ता आसान हो गया आरएलडी के जो मुखिया हैं उनके लिए कि वो अब एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कुमार गौरव,
तो यहां से भी कई सारे समीकरण साधते हुए यहां पर दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन फिलहाल ये बड़े ऐलान।